हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अंजू और वेदिका कॉलेज से घर आ रहे थे कि तभी वेदिका अंजू से कहती है, अरे अंजू, मैं तो तुझे बताना ही भूल गई। मेरे पापा भी थोड़े दिन पहले अयोध्या गए थे। वहाँ पर ना एक अजीब सा फल था, वो लाए हैं। यार बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन मुझे क्या बता रही है तू? तुझे पता है ना, मुझे ये फल वगैरह खाना कुछ खास पसंद नहीं है। अरे वो ऐसा वैसा फल नहीं था यार, वैसे मुझे नाम याद नहीं आ रहा। सोचने दे, बड़बड़ मत कर। तू खुद ही बोले जा रही है और तू मुझे बोल रही है कि बड़बड़ कर रही हूँ। अरे हाँ, याद आ गया, कंदमूल फल है ये, बहुत ही अच्छा होता है। मैंने तो खाया था और खाते ही इतना स्वाद लगा। लेकिन क्या, अगर इतना ही अच्छा लग रहा है तो और खा लेना, मुझे क्या बोल रही है। मिल जाए तो मैं खा ही लूं, लेकिन होना भी तो चाहिए ना। पापा थोड़े से ही लाए थे, ये सोचकर कि किसी को अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन अब तो सबको ही अच्छे लग रहे हैं। मेरा तो और भी खाने का मन था। अच्छा ठीक है, समझ गई। लेकिन तू ये सब मुझे क्यों बता रही है? होगा अच्छा, लेकिन अब मैं क्या करूँ इसका? तुझे खाना है तू मंगवा लेना, तू मुझे क्यों बोल रही है? अब क्या, मैं तुझसे कुछ बोल भी नहीं सकती। अच्छा लग रहा था तभी तो तुझे बता रही हूँ। अगर और भी बचे होते ना तो तेरे लिए भी लेकर आती मैं। तू खाती ना तब तुझे पता चलता कि मैं ऐसे ही नहीं बोल रही। अच्छा ठीक है, अगली बार जब तेरे पापा जाएंगे ना तो उनसे बोलकर ज्यादा मंगवा लियो, खुद भी खा लियो, ठीक है? और तब मैं भी देखूंगी जितनी तू तारीफ कर रही है उतना होता भी है या नहीं। वेदिका पूरे रास्ते भर अंजू से केवल कंदमूल की तारीफ करती जा रही थी और अंजू को यहाँ फल पसंद ही नहीं थे, इसीलिए वो बस वेदिका की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और कुछ दिनों बाद वेदिका के पापा काम के सिलसिले में आंध्र प्रदेश जाते हैं। वहाँ से आते समय उन्हें वापस से कंदमूल नजर आते हैं, तो इस बार वो वापस से कंदमूल लेकर घर आते हैं। वेदिका बड़े चाव से कंदमूल फल खा रही थी, तभी वहाँ अंजू वेदिका को कॉलेज के लिए बुलाने आती है और कहती है, अरे मैडम कहाँ है? मैंने तुझे कितने कॉल कर लिए, लेकिन तुझे उठाने में दिक्कत है क्या? कॉलेज नहीं जाना? और वो तो रोज ही जाते हैं। अभी तू यहाँ बैठ और ये खा, ये वही फल है जो उस दिन मैं तुझे बता रही थी। अच्छा वही जिसका बड़ा अजीब सा नाम है कंदमूल, वही ना? हाँ ये वही है, ले खा कर बता कैसा है। वेदिका अंजू को जैसे ही कंदमूल फल खाने को देती है, अंजू उसे खाते ही बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसे वो अच्छा लगता है, और उसके बाद वो सारे फल खाने लगती है और बोलती है, वाकई यार बड़ा अच्छा है, मैंने ऐसा फल पहले कभी नहीं खाया और ना ही देखा। है ना, मैं बोल रही थी तू भी खाएगी तो यही कहेगी। अरे बोलने लायक यही है कि ये बहुत स्वाद है, इसे खाकर तो मजा ही आ गया। दोनों मिलकर वहाँ से बैठे बैठे सारे कंदमूल फल खा जाती हैं और वहाँ से अंजू अपने घर आती है। अंजू को कंदमूल इतना अच्छा लगता है कि उसके मुँह से कंदमूल फल का स्वाद ही नहीं जा रहा था, और अगले दिन वो वेदिका के घर जाती है जहाँ वेदिका अपने पापा विनोद के साथ बैठी थी। तभी अंजू वहाँ पहुँच कर कहती है, वेदिका यार और कंदमूल है क्या खाने के लिए? दे देना, बड़ा मन कर रहा है, मुझे ना बड़ा ही अच्छा लगा वो। नहीं, कल ही तो हम दोनों ने साथ बैठकर सारे खा लिए थे, बचा ही नहीं है। चलना जाकर लेकर आते हैं, कहीं तो मिलता ही होगा ना। नहीं बेटा, कंदमूल फल यहाँ कहीं नहीं मिलता है। फिर कहाँ मिलते हैं? बेटा ये यहाँ कहीं भी नहीं, बल्कि एक जंगली फल है जिसे लोग अपने खेतों में लगाते तो नहीं है, पर कहीं कहीं इसका पेड़ अपने आप ही उग जाता है। तो ये यहाँ कहीं इसके पेड़ नहीं है क्या? बेटा यहाँ कहीं तो आम फल भी नहीं मिलते हैं, तो कंदमूल फल कैसे मिलेगा? तो हम इसकी खेती कर लेते हैं ना, जहाँ पर भी ये उगाए जाते हैं वहाँ से इसका बीज ले आते हैं, फिर इसकी खेती करना शुरू कर देते हैं। वेदिका सही बोल रही हूँ ना? हाँ पापा, हम खुद भी तो कंदमूल फल की खेती कर सकते हैं ना। नहीं, ये एक जंगली फल है बेटा जिसकी खेती नहीं की जाती, क्योंकि ये खेतों और जंगलों में अपने आप ही उग जाता है। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरा बहुत मन कर रहा है कंदमूल खाने का, अब कहाँ से लेकर आऊँ, कैसे खाऊँ? अगली बार जब मैं जाऊँगा तो तुम्हारी लिए खास कंदमूल फल ढेर सारा ले आऊँगा। विनोद की बात सुनने के बाद अंजू थोड़ा शांत हो जाती है और इंतजार करने लगती है कि कब वेदिका के पापा जाएंगे और कंदमूल फल लेकर आएंगे। लेकिन जब काफी समय तक उसके पापा कंदमूल फल नहीं लाते तो अंजू अपनी माँ नीलम के पास जाकर कहती है,
माँ कितना समय हो गया ना, हम कहीं बाहर घूमने नहीं गए, चलो ना कहीं घूम कर आएंगे। तुझे क्या हो गया, अचानक से आज घूमने जाने की बात कर रही है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? माँ मैं तो इसीलिए बोल रही हूँ कि इतना समय हो गया कहीं गई नहीं, तो चल लेते हैं, थोड़ा मजा आ जाएगा। अच्छा तेरी बात समझ तो नहीं आ रही, लेकिन सही तो बोल रही है तू, काफी समय से कहीं गए भी नहीं है, चलते हैं हम इस बार, इसी बहाने हम दोनों माँ बेटी का मूड भी फ्रेश हो जाएगा। हाँ तो चलो फिर कल ही चलते हैं। अरे अचानक से कैसे, कुछ पता भी है कहाँ जाना है कैसे जाना है? हाँ सब पता है, हम अयोध्या जा रहे हैं और वहाँ जाने की सारी तैयारी मैंने पहले ही कर ली है, बस आप अपना सामान पैक करो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। अयोध्या जाने का तय भी कर लिया और जब जाने वाले हैं तब बता रही है तू मुझे? हाँ और अब आप अपनी बात से पलट नहीं सकती है, आपने हाँ बोल दिया है, हम जा रहे हैं, ठीक है ना? अच्छा अच्छा ठीक है, चल जब तेरा इतना ही मन है तो क्या ही बोलूं। अंजू नीलम को मना लेती है और अगले ही दिन दोनों अयोध्या के लिए निकल जाते हैं। काफी लंबा सफर तय करने के बाद दोनों अयोध्या आते हैं। वहाँ जाने के बाद अंजू एक होटल में अपनी माँ को रुकवा कर खुद कंदमूल का फल लेने के लिए चली जाती है और काफी देर बाद ढूंढ कर कंदमूल का फल लाती है और अपनी माँ के पास जाती है। उसे देखकर नीलम कहती है, अरे तू यहाँ खुद घूमने आई थी या मुझे घुमाने के लिए लाई थी? इतनी देर से मैं यहाँ तेरा इंतजार कर रही हूँ और तू पता नहीं कहाँ गायब है। मैं तो ये फल लेने गई थी कंदमूल। ये तो घूमते घूमते भी ले सकते थे ना, तुझे थोड़ी देर और रुका नहीं जा रहा था? माँ यही लेने तो आपके साथ अयोध्या आई हूँ, अब इसको लेने में भी रुकना पड़ेगा क्या? क्या मतलब है तेरा, तू तो बोल रही थी यहाँ घूमने आ रहे हैं। माँ मुझे ये कंदमूल फल बहुत पसंद है, वेदिका के पापा लाए थे एक बार, तब खाए थे, बहुत ही अच्छे लगते हैं, इसीलिए यहाँ आए हैं कंदमूल फल लेने। मतलब तू मुझे झूठ बोलकर यहाँ बस ये फल लेने आई थी? हाँ आपसे सच बोलती तो आप कहाँ से ले आती कंदमूल फल, ये सिर्फ यही मिलता है और मैंने बहुत देखा था कहीं नहीं मिला, इसीलिए आना पड़ा। पागल है क्या तू, बस ये लेने के लिए इतनी दूर आ गई? नीलम अंजू को सुनाने लगती है लेकिन अंजू पर नीलम की बातों का कोई असर नहीं पड़ता। वो कंदमूल खाने लगती है और ढेर सारे कंदमूल फल एक साथ लेकर जब वापस अपने घर आती है तो कई दिनों बाद वो कंदमूल फल खा रही थी। कुछ दिनों के बाद नीलम की पड़ोसन गीता वहाँ आती है और हॉल में बैठी अंजू को कंदमूल का फल खाते देखकर अंजू से कहती है, हाँ हाँ लेकिन इसे रामफल भी कहते हैं, बचपन में मैंने खाया था, बहुत ही अच्छा स्वाद है। नहीं आंटी कंदमूल फल है। लेकिन अब के समय में ये कहाँ ही मिलता है, थोड़ा और है तो मुझे भी दे दे अंजू बेटा। मैंने खुद ये फल अब जाकर खाया है तो ना जाने कितने लोग ऐसे होंगे जिन्हें इस फल के बारे में पता ही नहीं होगा, अब जब मुझे पता चल गया है तो मेरा फर्ज बनता है ना कि जिन्हें नहीं पता उन्हें भी बता दूं। क्या हुआ बेटा, थोड़ा दे देगी तो तेरा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, मुझे भी रामफल का स्वाद आ जाएगा। हाँ हाँ क्यों नहीं आंटी, लो ना। पता है जब राम जी को वनवास हुआ था ना, तब 14 वर्षों तक भगवान राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण कंदमूल खाकर ही अपना जीवन निर्वाह करते थे, इसलिए से रामफल भी कहते हैं। गीता अंजू को कंदमूल फल के बारे में बताती है और अंजू भी उसके बाद 1-2 महीने में वहाँ जाती है और जहाँ भी कंदमूल फल मिलता वहाँ से लोगों को भी कंदमूल फल लाकर खिलाती और खुद भी खाती। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।